वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ यू गाइस आर डूइंग। और आप लोगों को पता है कि चारों तरफ लॉकडाउन फैला हुआ ड्यू टू कोरोना वायरस एंड वी कैन नॉट गो आउटसाइड आल्सो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग सो मच लव एंड सपोर्ट फॉर माय लास्ट वीडियो इट कैन टाइप। एंड इफ यू वांट मी टू मेक फ्यू वीडियोस लाइक दिस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल लव टू मेक फॉर यू गाइस। और आप लोग को पता होगा कि हम लोग के फेस्टिवल्स आने वाले हैं एंड वी कैन नॉट गो आउटसाइड आल्सो एंड वी कैन नॉट परचेज द थिंग्स विच वी लाइक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय नहीं कर सकते, मज़ेदार नहीं बना सकते। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग अपने फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को पा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स मैटर अलॉट कम्पेयर टू गोइंग टू मार्केट एंड परचेजिंग द थिंग्स। और आप लोगों को पता है कि अभी राखी आने वाली है और हम लोग के पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। अभी यूपी में तो इतना लंबा वाला लॉकडाउन कर दिया गया है और अगर आप लोग के पास इतनी लंबी से टाइम होते हैं सो डोंट वेस्ट दिस टाइम, यूज फॉर सम क्रिएटिव थिंग्स। लाइक अभी आपको राखी बना लेना चाहिए, जैसे राखी बहुत ही लंबा गैप है बट स्टिल यू कैन मेक इट। और आप लोग ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी जब आप अपने हाथों से राखी बनाएंगे। ओके, क्योंकि जो मार्केट से परचेज किए उनमें इतनी हैप्पीनेस हमको नहीं फील होती जितना ज़्यादा हम अपने हाथों से जब बना के उसको बांधते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। आई एग्री कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करते हैं अपने भाई ब्रदर एंड सिस्टर की जो बॉन्डिंग होती है ना वो बहुत अलग वाली होती है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करते हैं बट स्टिल वी लव ईच अदर। ओके, सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल सम मटेरियल विच आई हैव यूज्ड इन दिस। ओके, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस राखी बनाने में क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। You all can see guys, here I have selected the things which I'm going to use. तो यहाँ पर मैंने woolen thread ले रखा है, क्रीम कलर का मैंने यूज़ किया है। यू कैन चूज एनी कलर, वट एवर कलर यू लाइक। फिर मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर का बहुत ही पतला सा ये थ्रेड था, मैंने इसको भी लिया है राखी में बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी। और फिर मैंने यहाँ पर नीडल्स लिए हुए हैं। और जो भी आप सुई लें उसको थोड़ा ध्यान रखें कि ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी ही, वो मीडियम साइज़ के लेना है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है सीज़र, सीज़र आप छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे लिए हुए कुछ मोतियाँ, और ये मेरे पास वाइट कलर की मोतियाँ थी तो मैं इसको अपने राखी में यूज़ करने जा रही हूँ। ओके, और फिर मैंने ले रखे हैं यहाँ पर रेशम के थ्रेड्स। ओके, और ये दो कलर का कॉन्ट्रास्ट कलर था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर मैंने यहाँ पर ले रखे हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से ये दो थ्रेड, और इनको भी मैं अपने राखी में यूज़ कर लूँगी। आई डोंट नो द एग्जैक्टली नेम, बहुत ही सॉफ्ट सा थ्रेड भी यूज़ करने जा रही हूँ अपनी राखी बनाने में। और पहले हम बेसिक राखी के साथ स्टार्ट करेंगे कि छोटे बच्चों के लिए मैं राखी बनाना बताऊँगी। ओके, तो एज यू ऑल कैन सी गाइस मैंने वुलन वाले जो थ्रेड थे उनको अच्छे से लेके अपने फोर फिंगर्स की हेल्प से इसको लपेट लिया और मैं एक साइड में इसको एक नॉट बांध दे रही हूँ। ओके, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब ना लगे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये इधर उधर खिसक जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगा हमारी राखी। और फिर मैं मिड सेक्शन डिवाइड कर लूँगी। ओके, और जो मिड में मैं रिकमेंड करूँ कि आप सेम कलर का ही धागा यूज करें, चेंज ना करें इसको, क्योंकि अगर कटिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और साइड साइड से देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ इसको, आप कट कर लेंगे। ओके, और फिर आप इसको इवनली स्प्रेड कर लीजिए प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो बना रखे हैं क्योंकि मेरा, मुझे राखी फ्लफी ही पसंद है बट मेरा थ्रेड मैंने कम लपेटा था। और फिर मैं फॉर्क ले रही हूँ और इसमें मैं ब्राउन कलर का थ्रेड अच्छे से लपेट लूँगी। और फिर इसको आप प्रॉपरली एक ही जगह पे करें। ओके, इवनली अलग अलग दूर दूर थ्रेड को ना स्प्रेड करें, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं बन पाएगा आपका। और फिर सेम वे में जैसे मैंने पहले बनाया था सेम मैंने इसके साथ भी किया है। और ये बहुत छोटा सा है तो इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। और इसका सेंटर पार्ट जो है बहुत ही टाइटली आप इसको बांध दीजिए। ओके, देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ओके, और फिर इसको फिर से मैं इवनली स्प्रेड कर लूँगी। ओके, और मैं यहाँ पर राउंड सा शेप दे रही हूँ, आपको जो भी शेप पसंद हो अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। और इसके बाद आप जैसी भी डेकोरेशन चाहे, मैं यहाँ पे कुछ मोती यूज़ करूँगी इसके ऊपर, पर आपको जो जैसा भी डेकोरेशन पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट बी केयरफुल जब आप
इसको यूज कर रहे हैं तो निडल बहुत ही ध्यान से आप यूज करें, ओके। और ये मैं बहुत ही बेसिक सी राखी बना रही हूँ। अगर आपका भाई बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो आप उसके लिए ये राखी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर मैं पीछे एक नॉट बांध दे रही हूँ ताकि ये पूरी राखी प्रॉपरली बनी रहे, ओके, कम्प्लीटली, मतलब ख़राब ना हो लास्ट तक। और फिर मैं इसकी स्ट्रिंग बनाने जा रही हूँ डोरी राखी की, तो उसके लिए मैं ये थ्रेड बहुत ही पतला है तो हाथ के साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसको कई बार एटलीस्ट 5 to 6 टाइम ले लें और एक नॉट बांध दें इसमें, ओके। और फिर से मैं ये वुलन वाला वाइट कलर का थ्रेड इसमें यूज़ कर रही हूँ और मैं फॉर्क की हेल्प से इसको सेक्शन वाइज करते जाऊँगी और मैं ये डोरी तैयार कर लूँगी राखी के लिए, ओके। आई होप यू ऑल कैन सी दिस, ओके। आपको ऐसे ही बना लेना है और फिर से आपको निडल की हेल्प से, और आपको क्या करना है, जो आपने स्ट्रिंग ऑलरेडी तैयार कर रखी है राखी के लिए उसको आप मिड सेक्शन में लगाएंगे, ओके। इसको जो फ्लावर आपने बना रखा है उसको मिड सेक्शन में आप जोड़िए प्रॉपरली, एज यू ऑल कैन सी दिस, ओके। और फिर आप इसको कट कर लीजिए और आप देखिए यहाँ पे मैंने रेशम वाले थ्रेड यूज़ करके दूसरी राखी बना रखी है, तो ये बेसिक राखी है आपके छोटे भाइयों के लिए। और अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ यहाँ पे, अगर आपका भाई बड़ा है तो आप कैसे उसके लिए दूसरे तरह की राखियाँ बना सकते हैं, ओके। तो मैं अगेन यहाँ पे फिर से इसको सेक्शन करते जा रही हूँ, ओके। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक राखी है, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। और लास्ट में देखिए आपके इसमें भी ऐसे ही थ्रेड बचेगा जब आप बना लेंगे, ओके। और लास्ट में इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको जब इसको स्प्रेड करके प्रॉपरली फिर आप इसको एक जगह कलेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो इसको आप बहुत ही केयरफुल करें, जैसे मैं करें इसी तरह से आप कर लीजिए। और इसका जो डिज़ाइन बन गया था मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई होप यू कैन सी दिस गाइस, ओके। और ये थ्रेड मल्टी कलर में था तो ये और भी ज़्यादा डिज़ाइन इस पर बहुत ही प्यारा लग रहा है, और मैं डेफिनेटली ये राखी ट्राई करने वाली हूँ, ओके, अपने भाई के लिए। और फिर मैं क्या करूँगी, साइड में यहाँ पे देखिए ये बहुत ढीला ढीला सा लग रहा है तो मैं यहाँ पे फिर से एक नॉट बांध दूँगी, ओके। बट आप पहले इस डिज़ाइन को पूरा स्ट्रेट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप नॉट ऐसे बांधिए कि ये एकदम राखी के बहुत ही ज़्यादा पास में हो, एकदम लगे कि वो डिज़ाइन ही है, ओके। और मैं दोनों तरफ से ऐसे नॉट बांध लूँगी एंड आई होप यू ऑल कैन सी दिस गाइस, इट लुक्स सो क्यूट इन कलर ऑल्सो, ये मल्टी कलर का है, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने दो और राखियाँ बना रखी हैं जो कि मैंने येलो और पिंक कलर के थ्रेड को यूज करके बनाया है। और अगर आपके पास मल्टी कलर की मोतियाँ हैं तो आप और भी सुंदर राखी बना सकते हैं, पर मेरे पास ये प्लेन से थी तो मैंने इसी को यूज़ किया। और यहाँ पे मैंने येलो कलर का थ्रेड यूज़ किया। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने इसको यहाँ मोतियों को डालने के लिए मैंने यहाँ पे निडल नहीं यूज़ किया क्योंकि ये थ्रेड जो है बहुत मोटा था और अगर मैं निडल यूज़ करती तो उसमें थ्रेड जाता ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेस्ट वायर, सबके घरों में होता है। तो उसको क्या करिए, आप सीजर की हेल्प से उसको प्लास्टिक उसका रिमूव कर दीजिए और देखिए मैं इसको अपने स्ट्रिंग में बहुत ही अच्छे से इसको निडल का शेप देने जा रही हूँ, ओके। आप इसको केयरफुली ऐसे ही बना लें स्ट्रेट सा, ओके। आई होप यू ऑल कैन सी दिस, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही आपको भी करना है, ओके। और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे इसमें सारे मोतियों को यूज़ किया है। ये बहुत ही कम समय में ये राखी बन के तैयार हो गई थी और बहुत ही प्यारी भी लग रही है। अगर आपको स्लीक सी राखियाँ पसंद हैं और आपके भाई को, तो आप ज़रूर ये राखी ट्राई करें। और अगर आपके पास डिफरेंट कलर की मोतियाँ हैं तो आप डेफिनेटली इस राखी को ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। मेरे पास सेम ही कलर था तो मैंने इसी को यूज़ किया है, ओके। तो इसी तरह से मैंने सारी मोतियों को अपने थ्रेड में यूज किया और मैंने दो जगह उस पर नॉट बांध दिए हैं, ओके। और फिर मैंने दूसरी राखी भी इसी तरह ही बनाई है, बट मैंने क्या किया है, ये बहुत ही क्रिस्टल सा मोतियाँ थी तो मैंने इसको पिंक कलर का थ्रेड चूज़ किया जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है इसमें। फिर मैंने ब्लैक कलर के छोटे छोटे पर्ल्स यूज़ किए और फिर मैंने इसमें नॉट बांध दिया। और अगेन हमने यहाँ पे फिर वाइट कलर का
राउंड सा पर्ल यूज़ किया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है इन दोनों राखी में, और ये बहुत ही सिंपल से और बहुत ही जल्दी बन जाएंगे, तो आप घर पे भी रह के आसानी से इन राखियों को ज़रूर बनाएं। और ये रहा फाइनल लुक। एंड गाइज आई होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मुझे इन राखियों को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है, और इससे क्या होता है हमारा ब्रेन जो है वो थोड़ा क्रिएटिविटी करने से बहुत ही ज़्यादा फिर से एनर्जेटिक हो जाता है, और हम फिर से रिफ्रेश फील करते हैं अपने फेस्टिवल्स को लेके उके। और आप लोगों को पता होगा कि रक्षाबंधन में हम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, बट दिस टाइम आई डोंट थिंक सो वी विल गेट सम गुड गिफ्ट। एनीवेज इफ आई एम गोइंग टू गेट मनी अगेन माई ब्रदर विल टेक ऑफ ओके, और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो के, एंड इफ यू आर गोइंग टू मेक दिस ब्यूटीफुल राखीज ओके, आप जो भी अपनी क्रिएटिविटी या राखी बना रहे हैं डिफरेंट वे में भी बना रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू टैग विद मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल लव टू सी योर रिक्रिएटिविटी ओके, एंड आई विल टेल यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, आई लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।